हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की वीडियो लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से सीपीओ की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इसमें जितने भी सेंट्रल फोर्सेस काम करते हैं, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सब आर्म्ड फोर्सेस में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सीपीओ के थ्रू ये वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाती है। इसमें आपको दिल्ली पुलिस एसआई के लिए भी वैकेंसीज आपको पोस्ट रहने वाली है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आपको ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। वही अगर दिल्ली पुलिस एसआई की आप देखोगे तो वो एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब रिक्रूटमेंट को लेके अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है। तो जहाँ तक अभी चर्चा हुई है कि आपको 3000 प्लस सीट्स के लिए ये वैकेंसी जाने वाली है, और लास्ट ईयर भी आपने देखा था 45 प्लस सीट्स के लिए वैकेंसी आई थी। अदरवाइज जैसे ही एप्लीकेशन आउट होता है, नोटिफिकेशन आती है, मैं वीडियो के मीडियम से आपको अपडेट कर दूंगी कि कितनी सीट्स पर वैकेंसीज आई है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 20 जुलाई 2023 से होगा और लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 13 अगस्त 2023 रहने वाला है। तो आपको 13 अगस्त का वेट नहीं करना है। आपका जैसे ही 20 जुलाई को फॉर्म अप्लाई होता है, आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ही देना। फॉर्म की फ़ी की बात करूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे 100 रुपीज़ लिया जाएगा। वही फीमेल, मतलब ऑल कैटेगरी फीमेल, एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपका यहाँ पे एज जो है, एज ऑन 1 अगस्त 2023 आपका कैलकुलेट होने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको मिनिमम एज 20 ईयर्स रहता है और मैक्सिमम 25 ईयर्स रहता है। और एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का। एंड अब आपको बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका जो अदर पोस्ट है उसके लिए बस आप ग्रेजुएट हो, मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जो भी बाकी है उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना काफ़ी है। पर अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप चाहते हो कि मैं फॉर्म अप्लाई करूँ, तो आपके पास ग्रेजुएशन के अलावे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना एकदम कंपल्सरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम का डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। आपका 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो वी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है और डेट भी आ चुकी है, टाइम भी अच्छा खासा है। तो तैयारी ऐसी रखो अपनी कि एक बार में आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। एंड अब आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज पे डिपेंडेबल होता है। आपका फ्रेंड्स 3 स्टेज पे डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट आपका पेपर 1 होता है यानी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम, देन आपका पीईटी, पीएसटी एंड मेडिकल, मतलब कि फिजिकल प्लस मेडिकल होता है। थर्ड आपका फ्रेंड्स पेपर 2 होता है, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल पाती है। सो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम की पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पेपर 1 होगा उसमें क्या कुछ रहने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर रहेंगे। तो चलो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि आपका 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और 2 आवर का आपका पेपर होता है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले फ्रेंड्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए और यहाँ पे 2 आवर्स का आपका पेपर होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस मेडिकल होता है, पर उसके बाद पेपर टू होता है। लेकिन मैं अभी आपको पेपर टू की सिलेबस बता देती हूँ कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होगा, तब हम लोग फिजिकल को डिस्कस करेंगे। पेपर टू जो होता है फ्रेंड्स आपका, ये भी आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए और 120 मिनट यानी 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से ही टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश की भी आपको अच्छी तैयारी करनी है ताकि आप एक बार में जॉब को क्रैक कर पाओ। समझ पा रहे हो ना आप? अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले उसमें होता है फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स आपका जनरल एंड जो भी अदर कैटेगरी मेल है उनका यहाँ पे मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर है। और इसमें ये मैंने बताया आपको मेल जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए, SC ST कैटेगरी वाले मेल्स के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 162.5 सेंटीमीटर एंड चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है 77-82 आपका रहना चाहिए सेंटीमीटर में चेस्ट, तब जाके आप एलिजिबल हो। अब बता दूं मैं, फीमेल्स का जो हाइट होता है वो आपको जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 157 सेंटीमीटर होता है और आपका जो ST कैटेगरी होते हैं ना उनके लिए 154 सेंटीमीटर रहता है। सो PST के बाद आपकी होती है PET टेस्ट यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें मैं सबसे पहले मेल के लिए क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट आपका 100 मीटर रेस होता है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर का होता है, इसके लिए आपको 5 चांसेस दिए जाते हैं, हाई जंप आपको 1.2 मीटर की रहेगी, इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक होता है 16 बाउंड का गोला आपको 4.5 मीटर फेंकना है और आपको 3 चांसेस यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अब बारी आती है फीमेल्स की जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में। तो चलो आपको बता देती हूँ, फीमेल्स के लिए 100 मीटर की रेस होती है आपको 18 सेकेंड में, देन आपका 800 मीटर की रेस होती है 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 सेंटीमीटर और 9 फीट का होता है जिसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं, हाई जंप आपको 0.9 मीटर और 3 फीट का, मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा और आपको 3 चांसेस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद होता है फ्रेंड्स आपका सिंपल सा मेडिकल। तो मेडिकल में जैसे कि आपका नियर विजन, डिस्टेंट विजन, यही सब आपको सिंपली मेडिकल करके और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आपका पेपर टू होता है, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना वो आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इसमें जो डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने वाले हो, वो है फ्रेंड्स आपका BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB एंड आपका दिल्ली पुलिस SI। सो आपको मतलब अच्छा खासा यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगा, अच्छी आपकी जो है ना ग्रुप सी ग्रुप बी की पोस्ट है, सो अच्छे से आप लोग तैयारी करो। इसमें ज्वाइनिंग के बाद फ्रेंड्स आपका जो सैलरी होता है 35,400-1,12,400 रहता है। इसमें आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस भी अच्छे रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स जैसा ये कहने के लिए कि 35,000 से स्टार्टिंग है, बट रियल में बताऊँ ना तो आप जब जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका फर्स्ट मंथ का इनिशियल इन हैंड सैलरी 45,000-50,000 के बीच में रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसे आप लोग भी अभी समझो, अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी की स्पीड को ना इंक्रीज कर दो। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी डिटेल्स आपको बताए हैं SSC CPO रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर उसे समझने में कोई सी भी दिक्कत आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, मैं आपके क्वेरीज को वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज आप और भी जगह पे पूछ सकते हैं क्वेरीज, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे आके, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे मनीषा सिंह जॉब अपडेट्स है। अदरवाइज अगर आप जनरल नॉलेज की स्पीड को बूस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग टेलीग्राम चैनल है, तो सबका लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।